नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में चुनाव प्रचार का रविवार को अंतिम दिन था। ऐसे में देखिए किस प्रकार भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर को जिताने के लिए देखिए किस प्रकार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फतेहपुर सीकरी सीट के दिमसरी क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्होंने देखिए किस प्रकार एक के बाद एक सपा कांग्रेस और बसपा पर लगातार एक के बाद एक देखिए किस प्रकार आरोप लगाए हैं और देखिए किस प्रकार हमला बोला है। उसी कड़ी में उन्होंने जनता से अपील की है कि वह राजकुमार चाहर के पक्ष में मतदान करें और उन्हें भारी बहुमत से जिताए। देखिए आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का फूल मालाओं से स्वागत और सम्मान किया गया है, साथ ही साथ चांदी का मुकुट भी पहनाया गया है। और आप देख रहे हो उन्होंने कहा है कि जब तक प्रचार में आपको बता दें कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। मौर्य ने जनता को आगाह करते हुए कहा, कांग्रेस के झांसे में कभी मत आना। कर्नाटक में उन्होंने ओबीसी का आरक्षित कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण दिया है और पूरे देश कांग्रेस के खिलाफ है। उनके प्रत्याशी मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पर जुमानी हमला करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, वो दिन आज लोग नहीं भूले जब नारा प्रचलित था, जिस गाड़ी पर लगा सपा का झंडा उस पर बैठा सपा का गुंडा। सपा के शासन में प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, बमों की फैक्ट्रियां लगती थी, आज माफियाओं को जेल की हवा खानी पड़ रही है और दंगे करने वालों को देखिए किस प्रकार बिलों में घुस चुके हैं। तो इस प्रकार भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में उन्होंने देखिए किस प्रकार जनता से अपील की है। और वहीं प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने कहा है कि उन्होंने पेयजल की समस्या के निदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी थी और फतेहपुर सीकरी सैकड़ों साल पुरानी पानी की समस्या दूर हुई है। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार जहां आलू अनुसंधान केंद्र की भी उन्होंने चर्चा की और इस प्रकार सड़कों के जाल की भी उन्होंने चर्चा की। तो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार एक के बाद चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी भाजपा ने अपनी ताल ठोक दी है और सभी भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर को जिताने के लिए आपको बता दें भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी यहाँ आगरा पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री भी पहुंचे हैं और सभी ने देखिए राजकुमार को जिताने के लिए जनता से अपील की है। आपको बता दें फतेहपुर सीकरी सीट आगरा की सबसे हॉट सीट है। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीवी न्यूज।